नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर जो पेपर देख पा रहे हो, यह आपका हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर है आधुनिक काव्य का। और जो मैं पेपर आप सभी छात्रों को बताने जा रहा हूँ वो इसी बार का पेपर है, यानी कि लास्ट ईयर का नहीं है, इसी बार यानी 2023 का ही पेपर है। काफी इंपॉर्टेंट पेपर है, मुझे पता है। इस पेपर को आप 2024 में भी देखोगे, 2023 में भी देख रहे हो, 2025 में भी देखोगे, तो काफी इंपॉर्टेंट पेपर है। आपको इससे ये पता लग जाएगा कि आपके जो क्वेश्चन है किस प्रकार से आपसे पुटअप हो सकते हैं, साथ में कितने नंबर का यहाँ पर पेपर रहता है। देखिए मैक्सिमम जो मार्क है वो भी देख सकते हो, मार्क्स यहाँ पर 100 दिए गए हैं। आधुनिक काव्य का ये फर्स्ट पेपर है। बात करते हैं सेकंड पेपर को लेकर। सेकंड पेपर भी आपके लिए मैंने अपलोड कर रखा है, तो वो पेपर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बात करें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताते हुए चलूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरणों में निहित काव्य सौंदर्य को उद्घाटित करते हुए सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका कि रोचिता सहित दिन को राधिका थी बताती, आंखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती, शोभा वाले जलद वपू को ही रही चात की थी, ठीक है। इसका ये ऑप्शन देख सकते हो कि उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना वर्चिष्टता थी बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली आके आंसू द्रग पुतल में थे धारा को भिगोले आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंधा को लेके प्रातः वाली सुपवन इसी काल वायतन वातायनो, ठीक है। इसके अथवा में दे रखा है, आप चाहो तो कोई सा भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। ख ऑप्शन मिलेगा, ख ऑप्शन के ख में भी अथवा में भी देखने को मिलेगा, ग ऑप्शन मिलेगा और साथ में घ यानी जो घड़ी वाला घ वो ऑप्शन भी, यानी कि 4-8 आपको मिलेंगे पैराग्राफ, उनमें से आपको ओनली 4 का एक तरीके से सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। ये आप पेपर में देख लेना। इस पेपर का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है, मुक्ति बोध की कविताओं की प्रमुख विशेषताओं का आपको विश्लेषण करना है। इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको 15 नंबर का है, तो 15 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी आप उसी हिसाब से देना। सेकंड यानी कि इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंथ प्रकृति के सुकुमार कवि है, स्पष्ट कीजिए ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि दुष्यंत कुमार की काव्य चेतना का मूल्यांकन आपको करना है। इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता में राष्ट्रीय चेतना पर आपको एक निबंध लिखना है। इसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है। इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के काव्य की भाव पक्ष तथा कला पक्ष पर आपको प्रकाश डालना है। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। शब्द सीमा आपकी कितनी है? 50 वर्ड। फर्स्ट है प्रगतिवादी कविता का मूल स्वर स्पष्ट कीजिए। सेकंड है संध्या सुंदरी कविता का भावार्थ लिखिए। थर्ड है भारतेंदु युगीन रचनकारों का सामान्य परिचय दीजिए। फोर्थ है प्रौढ़ शिक्षा कविता की समीक्षा दीजिए कीजिए। फिफ्थ है छायावादी काव्य का अर्थ परिभाषा तथा स्वरूप आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है कि नई कविता की प्रमुख सामान्य विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी है। बी ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। शब्द सीमा आपकी कितनी है? 20 शब्द। 20 शब्द यहाँ पर आपकी शब्द सीमा है, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि दिवे दियुगिन 2 रचनाकारों के आपको नाम एवं उनकी रचनाएं बतानी है। सेकंड है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो काव्य संकलनों के आपको नाम लिखना है। थर्ड है मिथक को परिभाषित कीजिए। फोर्थ है प्रतीक का अर्थ एवं प्रमुख भेद आपको बताने हैं। पांचवा क्वेश्चन है बिंब का अर्थ एवं बिंबों के आपको प्रकार बताने हैं, ठीक है। इसके बाद में 6 नंबर का क्वेश्चन है कि धूमिल की रचनाओं के नाम बताइए। सेकेंड है हरी ओम हरी ओस की रचनाओं के नाम लिखिए। 8वां है फैंटेसी का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। फैंटेसी का जो अर्थ है वो परिभाषा आपको बतानी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसका आंसर आप खुद से देख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाकी ये जो पेपर है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट पेपर था आप सभी छात्रों के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।